इस प्रदेश को अगर 21वीं सदी में ले जाना है तो इसमें आपकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अपने विद्यालयों का निर्माण करती है, हम भी चाहते हैं कि साक्षर हमारा पूरा बिहार 100% साक्षर हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की भूमिका को हम कभी नहीं नकारते हैं। प्राइवेट स्कूल भी एक बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है इस प्रदेश में सशक्त और मजबूत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कुछ आपकी समस्याएं हैं जिसको बार बार श्यामेल साहब हम लोगों के पास इंगित करते रहे हैं। हम एक बहुत जल्द अभी हम लोगों की जो CBSE एफिलिएशन की मीटिंग थी वो किसी कारण से डिले हो गई है, 15-20 दिन के अंदर उसकी बैठक होगी, और बाकी जो आप लोगों का भी जो एफिलिएशन का मामला है, नो ऑब्जेक्शन के मामला है, इसको प्रदेश स्तर पर हम एक महीना के अंदर इसको रिजॉल्व कराएंगे। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हम बार बार आपके कार्यक्रम में आते हैं और इस बात को जरूर कहते हैं कि जहां जहां आपका स्कूल है कहीं अंडा बेचने वाला, साइकिल पंचर बनाने वाला, पान बेचने वाला का कोई बच्चा शिक्षित नहीं रह जाए, उसके प्रति भी आप ध्यान दीजिए। सरकार की तो मंशा ही है कि हम उनको अपने स्कूल में लेकर के आए, लेकिन आप भी वैसे बच्चों को चिन्हित कीजिए और अपने स्कूल में दाखिला कराइए और उनको भी शिक्षित करिए, क्योंकि सिर्फ सरकार की जवाबदेही समाज को सशक्त बनाने की नहीं है, हर एक नागरिक जो इस देश में, इस प्रदेश में पैदा हुआ है उसकी जवाबदेही है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई शिक्षा मंत्री हो तभी उसकी जवाबदेही होती है, समाज को आगे ले जाने का, समाज को आगे बढ़ाने का, इस बिहार को 21वीं सदी का ले जाने का सबकी जवाबदेही है। इसलिए आइए उसमें हाथ बढ़ाइए और इस बिहार के जिसके एक गौरवशाली इतिहास है, जहाँ पर भगवान बुद्ध, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, जहाँ पर जाए, जहाँ तीन तीन धर्मों के महापुरुषों ने इस प्रदेश को सशक्त करने का काम किया है, जहाँ पर सम्राट अशोक, जहाँ पर नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं जो विश्व को ज्ञान देने का काम किया है, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके 21वीं सदी का बिहार बनाने में